वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर हर्जाना केस का मामला, अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी, भारतीय हुकूमत की पॉलिसियां खत्ते में मफाद में नहीं, हमें वस्त एशियाई रियासतों से राबतों की जरूरत है, मौशी इस्तेहकाम और मुल्की सलामती का आपस में गहरा ताल्लुक है। और वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज फाइनल के लिए पाकिस्तानी पहलवानों को रोमानिया के वीजे जारी ना हो सके, इनाम भट्ट और जमान अनवर ने 24 सितम्बर को इवेंट में रिपोर्ट करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर हर्जाना केस का मामला, अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी, भारतीय हुकूमत की पॉलिसियां खत्ते में मफाद में नहीं, हमें वस्त एशियाई रियासतों से राबतों की जरूरत है, मौशी इस्तेहकाम और मुल्की सलामती का आपस में गहरा ताल्लुक है। और वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज फाइनल के लिए पाकिस्तानी पहलवानों को रोमानिया के वीजे जारी ना हो सके, इनाम भट्ट और जमान अनवर ने 24 सितंबर को इवेंट में रिपोर्ट करना है।